भाई यहाँ पे थोड़ा तगड़ा हो चुका है गाइस, इन्होंने एकदम से ब्रेक मारे। मैं तेरी आँखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोने भाई। इन्होंने चुनाव उधर से रेस वेस लगाई है, इसमें थोड़ी देर हो गई ना। फॉग ज्यादा है, अच्छा ठंड नहीं है, फॉग ज्यादा है। सपने मैं तुझको दे दूंगा। हे गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक विद अ न्यू एपिसोड गाइस। आज का सीन बहुत तबाही होने वाला है गाइस, क्योंकि आज है न्यू ईयर एंड रात का दिन बता देता हूँ गाइस। रात में बहुत लेट सोया, तो ब्लॉग व्लॉग लैडी किया एंड हियर वी गॉट मनी एंड आसिफ भाई एंड मनासिफ भाई और हमारी मुन्नी चुन्नी, ये इन्होंने कर दिया कॉल स्टार्ट। ये बंद कर रही हैं गाड़ी। एंड गाइस आज का सीन बता देता हूँ गाइस कि आज हम जा रहे हैं हर्बल पार्क, और हर्बल पार्क है तो वहाँ पे बहुत लोग आते हैं एंड वहाँ पे न्यू ईयर मनाते हैं, तो चल चलते हैं। तो चलो चलते हैं। फाइनली गाइस यहाँ पे पेट्रोल पड़वाते हुए एंड ये पीछे जो बैठे हैं ये सिटी में आ गए कि यहाँ पे ठंड नहीं लगेगी, और इनकी क्या कह सकते हैं जो वही जो होती है कभी गलती 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 हो जाती है, तो ये हेलमेट ही पहन के नहीं आए और जल्दबाजी में रह गया रखा हुआ कह रहे हैं। हमें इस टाइम पे बहुत गर्मी लग रही है, इस टाइम पे है ना गर्मी लग रही है ना थोड़ी बहुत। और ये हाथ कैसे बने हुए हैं? नहीं अच्छा अच्छा, कमजोर लोगों को ठंड लगती है। तो गाइस हो गई, पेट्रोल फ्यूल अप करा लिया एंड चल रहे हैं गाइस। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं अपनी पॉइंट पे। आज का सीजन बता दूँगा गाइस, यहाँ पे हम थोड़ी बहुत रील वील लगा लेंगे एंड फिर थोड़ी बहुत वहाँ टीडीआई स्टडी चलना है हमें, क्योंकि टीडीआई स्टडी में कुछ काम भी है। तो गाइस रील्स वील्स निकाल दें, आप इधर सिनेमैटिक चेक करें गाइस। एंड गाइस मैं एक बंदे से मिला था, हियर वी गॉट दानिश भाई। एंड तो दानिश भाई क्या हाल हो रहा है? कुछ भी नहीं भाई, पीछे हाथ क्यों कर रहे हैं आप? कहीं ठंड नहीं है? ओहो बहुत हल्की है, फॉग ज्यादा है यार। फॉग ज्यादा है, अच्छा ठंड नहीं है, फॉग ज्यादा है यहाँ पर। अच्छा तो ठंड रो, तो ये जेबों में हाथ कैसे डाला जा रहा है? ये एक्शन एक्शन थोड़ा एक्शन एक्शन करके दिखाओ, इतनी काफी है। तो गाइस इन्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि सॉरी जैकेट वैकेट पहन के आया काली। इन्होंने बोला मेरा हेलमेट तुम बाहर छोड़ दिया, ये हेलमेट वेलमेट भूल गए। सो दानिश भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? एक रील बनानी है। रील बनानी है, कैमरा मैन हो क्या? या ऑफ कोर्स। भाई देखिए थोड़ा सा मीटर तक आई एंड कोई नहीं गाइस, आपकी प्यार मोहब्बत और कुछ नहीं गाइस। और ये भी देखो सर्दी के टॉपर है ये गाइस, भाई ठंड तो लगती नहीं बिल्कुल। हां ये ठंड नहीं लगती, ये हाथ थोड़े सिकुड़ रहे हैं तो इन्हें ठंड नहीं लगती। कभी-कभी हो जाता है। हां कभी गलती हो गई मेरी, आप लोग पता नहीं मिलो नहीं मिलूंगी लोनी मिलो, फिर भी आ गया। मैं अभी गया था ना रेलवे स्टेशन पे, अच्छा होमलेस लोग हैं तो उनको थोड़ा मतलब बिस्किट और चॉकलेट वगैरह। अच्छा अच्छा भाई बहुत ज्यादा अच्छा किया यार आपने, ये वर्न आउट कर रहे हैं गाइस। दानिश भाई जो जाड़े के बादशाह हैं, इन्होंने ना हेलमेट पहना है। ये हेलमेट ले रहे हैं क्यों? तुम तो जाड़े के बादशाह हो, कभी-कभी ऐसा हो जाता है। हाँ हो, हेलमेट चाहिए इसको। लो जाड़ों के बादशाह हेलमेट ले लो, इसके कुछ खराबी हो गई है पता नहीं। लो हेलमेट, सेफ्टी फर्स्ट। तो गाइस ये तो बहुत लंबी निकल गए, इतनी दूर से कौन सा रील्स बनती है भाई, ये तो पता ही नहीं। ड्यूब का कोई मुकाबला नहीं भाई, ड्यूब का गाइस शायद ये कोई 600-650 सीसी में किसी के पास इतना तगड़ा पिकअप होगा जितना ड्यूब के अंदर है गाइस। भाई इन्होंने जितना उधर से रेस वेस लगाई है, इस वजह से थोड़ी देर हो गई ना भाई, इसका मुकाबला नहीं है इस ड्यूब का। फाइनली हाँ ये फिर दोबारा से जा रहे हैं,
बोलते टनल लेके आटा लेकर आएंगे बाहर से आटा को आएंगे गाय रे फिर दोबारा से रेस वेस लगाने जा रहे हैं गाय। इनमें बहस हो गई है गाय दोनों में क्या कौन स्पीड से होगा। गाइस इन्होंने दोनों ने अपनी रेस लगाई। इनिशियल पिकअप ड्यूक का बहुत हाई है गाइस, ड्यूक का कोई मुकाबला नहीं है। बट बाद में जब होती है आज की ऑलमोस्ट 100 के पास आ जाती है तो निंजा आगे निकल जाती है गाइस, क्योंकि इसका एक रीज़न है गाइस, इसका जो ना इसका पीछे का जो चेन सेट है इसका बहुत बड़ा है, इसका चेन सेट वो छोटा है। तो स्टार्टिंग में इनिशियल पिकअप जिसका छोटा होता है उसका पिकअप ज़्यादा हाई होता है, एंड जिसका छोटा होगा उसका ना थोड़ा कम होगा। बट एंड में जो होता है स्पीड जिसका छोटा होगा उसका ज़्यादा होगा, इसीलिए निंजा और ड्यूक में ये फ़र्क है। गाड़ी के साइड दे दें भाई, यहाँ पे थोड़ा तगड़ा हो चुका है गाइस, इन्होंने एकदम से ब्रेक मारे। ये तो थोड़ा सा एक्सीडेंट हो चुका है गाइस, यार रुकी हुई थी, रुक तो गई थी, आगे भी कोई आ गया, आराम से बात कर ली, आराम से बात कर भाई। यहाँ पर कार वाले की गलती है, मगर बाइक वाले को बता रहे हैं गलती, कार वाले की गलती है, फिजोल में मार रहे हैं उसको। भाई सीन क्रिएट हो गया, सीन क्रिएट हो गया भाई, थोड़ा लफड़ा हो चुका है। मुंशी को बुलाओ यहाँ पे, मुंशी को भाई। अच्छा ये वाला पैनल निकल गया इनका, ये वाला नक्का टूट गया है और ये पैनल निकल गया, चलो हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा भाई। साइड कर लो फिलहाल इसको अभी, नितिन साइड को खाली कर दे, एक मिनट रुको यार, ये तो देख लो, रुको अभी से ऐसे ही ना हल्का सा साइड को कर लो, साइड में ठीक कर लेंगे इसको, साइड को कर लो गाड़ी को, जाम लगा है, जाम लग जाए, साइड को कर दे पहले, ये तो ऐसे रहने दो, रुक जाओ, साइड को कर लो, साइड को गाड़ी, साइड ऊपर भी निकलेगा, अरे पूरी भांग है तो खान में साइड को लगा लो, साइड को और बातचीत कर लो, कौन था बाइक वाला बंदा, ये बाइक किसकी थी भाई की, पता नहीं वैसे ही है, यहीं का वो भी लोकल का, दोनों लोकल की, चलो अब जैसा भी है गलती तो भाई ये हो ही जाती है, देख जब गाड़ी चलती है ना तो भाई गलती हो ही जाती है, थोड़ा सा ना देख के ही चलना चाहिए, नॉर्मली रोक ना, नॉर्मली रोक तो पुलिस की गाड़ी आ गई थी, गाड़ी बढ़ाओ गाड़ी, चलो ठीक है हम निकलते हैं सीन यहाँ से। निंजा की इनके पास है, सो गाइस देखते हैं यहाँ पर क्या सीन क्रिएट होगा, पता नहीं, वो तो भाग रहे हैं यहाँ से, पता नहीं क्यों भाग रहे हैं। नहीं अभी यहाँ पे ना क्या हुआ कि उस गाड़ी में किसी बंदे ने बाइक मार दी तो भीड़ इकट्ठा हो गई थी, इसलिए सब लोग खड़े हो गए, वो चली गई कार, उस कार में ना पीछे से बाइक मार दी किसी ने, तो वो दोनों आपस, ठीक है सर ओके। तुझे खुश मैं रखूंगा सुने